हम लोग आए हैं गांव पे और ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे अंगूर लग रहे हैं, और हमने अंगूर की कलम कटवानी चाही लेकिन साथ में अंगूर भी आ गए हैं। और हम लोग इसी बात पे हंस रहे हैं कि अंगूर की बेला के साथ अंगूर फ्री में हमको मिल गए हैं, तो ये हम लेकर हमारे घर लगाने के लिए ले जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह फोटो उस समय की है जब हम गए थे शिरडी, और वहाँ पर ये साई निवास है, यहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ बहुत सुंदर गार्डन है और यहाँ के जो गार्डन में जो मटेरियल यूज़ किया गया बहुत ही मजबूत है। तो हम और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, और छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, और यहाँ थोड़ी हवाएं भी चलने लगी हैं। मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता पानी भी आ जाए, तो सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। ना ज़्यादा ठंड लग रही है ना ज़्यादा गर्मी लग रही है। हम लोग दो फैमिली आए हैं तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि दो फैमिली होने में बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं और अपनी खुशी को भी जाहिर कर सकते हैं। बाकी मराठी भाषा ज़्यादा बोली जा रही है तो बच्चे भी उसी भाषा में बात करते हैं, समझ में थोड़ी थोड़ी आती है हमको, लेकिन मज़ा तो आता है। और गार्डन में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम गाँव में आ गए हैं और गाँव में हमने अंगूर की बेला को इतने अच्छे से देखा है कि हमें देख के ही मज़े आ गए। इतनी गर्मी में भी इतनी हरी हरी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, और अभी छोटे छोटे अंगूर भी लग रहे हैं गर्मी में, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ये काले अंगूर हैं, अभी कच्चे हैं तो हरे लग रहे हैं। हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, वो हमारी बहन लगती हैं, उनके यहाँ गए थे तो वहाँ पर उनने अंगूर लगाए रखे हैं। उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, और ये घर देख लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसे संपन्न नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। उन्होंने खेत में ही घर बनाए हैं और व्यवहार काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम उनसे मिलने गए थे। बहुत ही आनंद। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ।